साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन गोद दे विच बैठ के असी खालसे दा प्रगट दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा अते प्यार दे नाल मना रहे हैं। बेशक के खालसा प्रगट करन दे समय दे वर्तारे दे बारे आप जी सारे जानते हो, सो लोड़ नहीं हुंदी के बार बार उन्ना ही गल्लां नूं दोहराया जावे। पर कुछ वर्तारे ऐसे हुंदे ने जिन्हां नूं दुनियावी मंडल दे नाल नाल उन्हां नूं रूहानी मंडल दे विच वी परिभाषित करना पैंदा है, क्योंकि जिन्ना चिर तक असी अपनी कौम दे रूहानी मंडल दे बारे स्पिरिचुअलिटी दे बारे नहीं जानते उन्ना चिर तक साडे सामने समस्यावां ही आउणगियां। और किते ना किते जदों उह समस्यावां आउंदियां ने, खास करके अज दे दिहाड़े जिहड़ी समस्या तो मैं गल शुरू कर लगा हाँ कि विदेशां दे विच वी ते इत्थे वी कुछ खास सिख विरोधी लोकां दे इक धड़े एक ग्रुप बने हुए ने जिहड़े वख-वख सोशल माध्यमां दे उपर सोशल मीडिया दे उपर क्लब हाउस जां ट्विटर दे उपर ग्रुप बना के उह सिखां दे धार्मिक परंपरावां नूं साडियां मानतावां नूं साडियां मर्यादा नूं ते साडे धर्म दे जिहड़े मूल चिन्ह ने मूल निशान ने उहनां नूं निशाना बणाउंदे ने। पिछले तकरीबन कुछ महीनों तो यह वर्तारा बहुत ज़्यादा सरगर्मी दे नाल चल रहा है कि साढ़े पांच ककारां दे उपर भी किंतु किया जा रहा। बहुत सारे सुनेहे भी आए, मैसेज भी आए कि इन्हां लोकां दा जवाब देना बहुत जरूरी है। और मैं जदों इस दे बारे सारा अध्ययन किया कि जवाब देना क्यों जरूरी है, तो किते ना किते एक गल जरूर सामने आई कि सारे वर्तारे दे विच असी अपने आप नूं दोष मुक्त नहीं कर सकते, किते ना किते असी भी दोषी हाँ। ते जदों असी अपने आप नूं दोषी स्वीकारदे हां तां फिर किते ना किते जिहड़ियां साडियां गुस्ताखियां ने जिहड़ियां साडियां कोताहियां ने उहनां दा बड़ा सूखमता दे नाल चिंतन ते अध्ययन करना पवेगा। इह सारी गल शुरू कित्थों हुंदी है? ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਾਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਘੜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਕੀ ਉਸ ਤੇਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ?
आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। परमात्मा दा निराकार रूप जड़ा सानू नजर नहीं आ रहा, जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला नजर नहीं आ रहा, उहदा दूजा साकार रूप है घट घट मेहर जू वसे। ते साकार रूप दे विच परमात्मा जदों इस संसार मंच ते आउंदा है ते उह निराकार तो साकार रूप च प्रगट हुंदा है। इसे करके जिहड़ी जोत और जुगत दा सिद्धांत है, जोत उहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए, जोत उही है जुगत भी उही है, शरीर बदल रहे ने। ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जुगत नू खालसे दे विच प्रगट कर दिता ते जोत नू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच प्रगट कर दिता। इसे करके असी जदों अरदास च खड़े होंने असी शब्द की वरते हैं, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, इत्थे भी शब्द प्रगट आया। ते प्रगट जोत दे सन्मुख जिहड़ी जुगत है खालसा वह भी प्रगट है। इसे करके जदों जोत और जुगत दे नाल प्रगट शब्द आवेगा तो एक गल वेखियो, गुरु ग्रंथ का ते खालसा पंथ का कदी भी ज्योति जोत दिवस नहीं मनाया जाता। जिहड़ा शरीर करके जन्म की गल है उत्थे ज्योति जोत दिवस ही है, जिथे खेड केवल शरीर तक है, जिथे खेड रूहानी मंडल तक है, स्पिरिचुअलिटी तक है, उत्थे फिर जोत और जुगत पंथ और ग्रंथ ज्योति जोत कदी नहीं, क्योंकि ये जोत और जुगत का वो लगातार चलता वहा है जिहड़ा कदी भी खत्म नहीं हो सकता। इसे करके खालसा एक भी खालसा है ते बहु गिणती च बैठा भी खालसा, जिथे एक रह गया वो भी खालसा है, जो बहु गिणती च बैठा है वह भी खालसा है। सो गुरदेव पातशाह ने खालसे नूं प्रगट कीता ते जिहड़े खालसे दे गुण पंज प्यारिआं दे नामकरण दे विच ने, वह जिहड़े गुण ने उन्हां गुणां दी गल भी गुरु पातशाह ने पावन गुरबाणी च कर दित्ती। पहली गल सी दया, धौल धर्म दया का पूत। जे दया है ते धर्म प्रगट होवेगा, जिहड़ा धर्मी मनुख है उहदे विच हिम्मत आवेगी, जिहदे विच हिम्मत ते दृढ़ता आ गई उह संसार दे मोह तो मुक्त हो सकदा, मोह नूं कम कर सकदा है। ते जिहड़ा संसार दे मोह तो मुक्त हो गया उह साहिब है, उह साहिब मैं उसका चेहरा। इस नूं दूसरे रूप च वेख लईए, साहिब उह है जिहड़ा मोह तो मुक्त है, मोह तो मुक्त उह हो सकदा है जिहदे च हिम्मत दी दृढ़ता है, जिहदे कोल हिम्मत है उहदे कोल धर्म जरूर होवेगा, ते जिहड़ा धर्मी मनुख है वह दया जरूर करेगा। इसे तरह मैं कई बार वेखता हुंना कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादियां दा नामकरण फतेह उदों प्राप्त कर सकते हो जदों तुहाडे कोल बल है, जदों तुसीं जोरावर हो, जदों तुसीं जोरावर हो फिर ही तुसीं जूझ सकते हो, जुझार हो सकते हो। ते जदों तुसीं जूझण दा गुण रखते हो, जदों तुसीं जुझार हो फिर ही तुसीं जित्ते नहीं जा सकते, तुसीं अजीत हो। जे तुसीं अजीत हो, जितना चाहुंदे हो विकारां तों लैके संसार तक, ते तुहाडा जुझारू होना जरूरी है, जुझार होवोगे। जे तुसीं जुझार होवोगे तां हो सकदे आ जे तुसीं जोरावर होवोगे, ते जे तुसीं जोरावर होवोगे फिर तुसीं फतेह प्राप्त कर सकदे। सो इह जिहड़े नामकरण ने इन्हां नूं समझणा और इन्हां दे रूहानी मंडल नूं समझणा बहुत जरूरी है। जिन्ना चिर तक खालसे दे प्रगट होण दे इस क्रिया नूं जां खालसा निरूपण नूं असी केवल अपने संसारिक शब्दां दे च परिभाषित करन दा जतन करांगे, उन्ना चिर तक इस गल नूं नहीं समझ सकांगे कि खालसा जिहड़ा है वह गुरु पातशाह ने प्रगट करके जिहड़े शब्द वरते ने वह शब्द जिहड़े ने बड़े अहमियत रखते ने। उहने खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो इष्ट सुहिरद, खालसा मेरो कहियत बिरद, हों खालसे को खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदेरो। खालसा मेरे विच ते मैं खालसे दे विच, इस तरह अभेद हो चुका हाँ, इस तरह इमर्ज हो चुका हाँ, इस तरह मिल चुका हाँ, जिवें बाहरों एक पानी की बूंद समुंदर दे विच सुट दिती जावे ते समुंदर दे विच पाई हुई बूंद नूं तुसी वापस नहीं कढ सकते। जे तुसी कहो कि जिहड़ी बूंद
समुद्र च सुट्टी है ओही बूंद असी वापस कढ़नी है पानी दी, तुसी वापस नहीं कढ़ सकते, कदी भी नहीं कढ़ सकते। पातशाह कहिंदे जिहड़ा खालसा मेरे विच समा गया ओत पोत सागर बंदेरो, सागर दे विच बूंद वांगू जिहड़ा समा गया उहनू मेरे तो वख नहीं कीता जा सकता। पर समुंदर दा एक सुभा भी है, तुसी तां समुंदर दे कंढे ते रहिंदे हो, एक छोटी तो छोटी मच्छी भी मर जावे ना ते समुंदर उहनू अपने अंदर नहीं रखदा, हर निर्जिंद वस्तु नू समुंदर छल्लां दे नाल किनारे ते ला के अपने तो वखरा कर दिंदा। उहदे च जीवत ही रहा जा सकता है क्योंकि वह जीवन है। ते पातशाह कहिंदे ने कि इस सागर दे विच्चों वी जेकर जमीर दे करके मर गए ना ते फिर जब जे गह बिपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत, फिर असी उस रूहानी मंडल दे सागर तो वक्खरे हो जावांगे। सो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों खालसा प्रगट कीता है ते उस वेले सानू पांच ककारां दी बख्शिश कीती है, और साढ़े जिन्ने भी रहतनामे ने इन्हां ककारां नू समझना बहुत जरूरी है। साढ़े जिन्ने भी रहतनामे ने क्योंकि अज जिहड़ा सोशल मीडिया दे उपर एक चर्चा दा विशा बनाया होया है कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नू ककारां दी बख्शिश नहीं कीती, ये तो अंग्रेजां दी चाल सी, ये गल बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। हुण समझण दा जतन करिए कि भाई चौपा सिंह दा रहतनामा भी अंग्रेजां ने लिखिया, कि भाई नंद लाल जी दियां रचनावां भी अंग्रेजां ने लिखिया ने, कि भाई देसा सिंह दा रहतनामा अंग्रेजां ने लिखिया। भाई नंद लाल तो बड़ा स्पष्ट कहिंदे ने, वह कहिंदे ने कि सिक्खी है की है, सिक्खी का प्रगट रूप खालसा है की है, वह कहिंदे ने निशान है सिक्खी हरफ पांच काफ, काफ फारसी का शब्द कक्का, कि जिहड़ी सिक्खी की संपूर्णता है हरफ पांच काफ इन्हां दे पांच कक्कियां दे विच पई है। और एक अंग्रेज स्कॉलर है मिस जैनी कुलर, उन्हें एक गल बड़ी प्यारी लिखी है, कहिंदी जिस दिन सिख अपने आप नूं ककारां तो वक्खरा कर गया ना ते गल खालसे तक सीमित नहीं है, ये गुरु नानक दी विचारधारा दे अंत दा निशान होवेगा, गुरु नानक साहब दी विचारधारा दे अंत दा निशान होवेगा जदों असी अपने आप नूं ककारां तो वक्ख कर लिया। ते भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने निशान ए सिक्खी हरफ पांच काफ, हुण काफ कक्का पंजाबी च भी कक्का है, उर्दू फारसी अरबी च काफ है, अंग्रेजी च के है, हिंदी च का है, पर है पांच कक्की। निशाने सिक्खी हरफ पांच काफ हर गिज ना बाशद ई पांच माफ, ते जे कोई सिख कवे कि मैं इन्हां पांच ककारां नूं धारण नहीं करना पर उहदे बावजूद भी मैं सिख खोणा है, कहिंदे हर गिज ना बाशद, ए तां नहीं हो सकदा कि असी गुरदेव पातशाह दी बख्शिश नूं धारण भी ना करिए ते फिर असी कहिए कि सिख भी अखाउणा है, कहिंदे ये संभव नहीं है। फिर वो अगली गल करदे ने, कहिंदे कड़ा कार दो कश कंगा बिदां, ये भी फारसी की रचना है, कहिंदे इन्हां दे हाथ दे विच कड़ा, इन्हां दा कशहरा, इन्हां दा कंगा, कार दो कृपान दे वास्ते शब्द वरत्या, कहिंदा इन्हां चार चीज़ां दी संपूर्णता कित्थे है, बिना हेच केस अस्त जुमला निशान, कहिंदा इन्हां सारयां दी संपूर्णता उदों है जदों केसा धारी सिख जिहड़ा वह इन्हां नूं पहनदा। सो ये पांच चीज़ां दी गल, पांच ककारां दी गल भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनी रचना दे विच बड़ी स्पष्ट कर दित्ती। इहदे तों अलावा जिहड़े साडे सब तों पुरातन स्रोत ने, सरूप सिंह कोशिश दे वल्लों संपादित कीतियां होईयां सेवा सिंह दियां पट वहियां, उन्हां दे विच भी तकरीबन सारा उस समय का जिहड़ा वरतांत है जदों गुरु पातशाह ने खालसे नूं प्रगट कीता उहदे विच बकायदा तौर दे उपर पंज ककारां दी जिहड़ी गल आउंदी है जिहड़ी साडी तारीख दे विच सब तों पुरातन रचना जिहड़ी उह मन्नी जांदी। खैर उहनूं असीं ना भी पढ़िया होवे लांभे भी रख लईए, पर इहदे उपर तां कोई दो रावां नहीं कि भाई नंद लाल जी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के पौरे सन, तो भाई नंद लाल जी ने तो अपना आपा इन्ना समर्पित कर दिता गुरु नूं कि तुहानूं भाई नंद लाल जी की रचना गांझनामा पढ़न का मौका मिले।
अक्सर तुसी गांजनामा दे विच्चों रागी सिंगा दे पासो अक्सर कीर्तन सरवण कीता है। उस कीर्तन दे विच गांजनामे दे जिहड़े शेर ने उन्हां दा जिहड़ा कीर्तन कीता जांदा है, जिहड़ा असी बड़े प्यार दे नाल सरवण करदे हां, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शाहन शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा कह गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। मैं कई बारी सोचता हूं जिन्ने कि असी बैठे हैं ना, जे मैं तुहानू कहां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक एक सिफत बयान करो, मैं भी कई बारी अपने आप च कोशिश करता है, तो 10-12 सिफत करने तो बाद साढ़े शब्द खत्म हो जाते हैं, साढ़े शब्द मुक जाते हैं। असी कह देवे बादशाह दरवेश, असी कह देवे तेग दे धनी, असी कह देवे पुत्रां दे दानी, सरबंस दे दानी, कलम दे धनी, बादशाह दरवेश, राज जोग, सब कुछ असी कह सकते हैं, पर 10-12 सिफत करने तो बाद साढ़े को शब्द खत्म हो जाते हैं। पर भाई नंद लाल जी गंजनामा दे विच 104 नंबर शेर तो शुरू करके 160 नंबर शेर तक 55 शेरों के कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी सारिया सिफतां बयान करन तो बाद जिथे वह कहिंदे ने वास लो मासूल गुरु गोबिंद सिंह, मुकबलो मकबूल गुरु गोबिंद सिंह, हर दो आलम कोस गुरु गोबिंद सिंह, ला मका पाबोस गुरु गोबिंद सिंह, इन्हां सारियां सिफतां करन तो बाद शामिल ला अशफाक गुरु गोबिंद सिंह, काम उल इखलाक गुरु गोबिंद सिंह, इन्हां सारियां सिफतां करन तो बाद वह अखीर ते पता की कहिंदे ने, कहिंदे पातशाह हुण तेरियां सिफतां नहीं मुकियां, मेरे शब्द खत्म हो गए, सिफतां नहीं मुकियां, मेरे शब्द मुक गए ने, हुण ते मैं बस इन्ना कह सकदा लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दाग दारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। हुण मैं सिर्फ इन्ना कह सकदा, सग फारसी च कुत्ते नूं कहा जांदा है, हुण मैं सिर्फ इन्ना कह सकदा है कि नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे दर दा कुत्ता है, ते सिफत दे विच भौंक सकदा है, ते पातशाह इस कुत्ते दे कोलों जे तुसी अंतम इच्छा पुछो तो कहिंदे ने कि मेरी अंतम इच्छा होवेगी, वो कहिंदे ने कि मेरी अंतम इच्छा जिहड़ी है की है, जान बादिश फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क ऊपर पाए गुरु गोबिंद सिंह, कि जदों मेरे शरीर दे विच्चों मेरी जान निकले ना, ते उदों भी मेरे मन दे विच गुरु पातशाह दा चिंतन चाहिदा है, मेरा सिर गुरु दे कदमां दे उपर चाहिदा है। सो ओ नंद लाल इन्हां ककारां दी सिफत दे विच ते खालसे दे निरूपण दे बारे लिखदे ने, कहिंदे निशाने सिखी हरफ पंज काफ, हर गिज ना बाशद ई पंज माफ। हुण पहली गल आ जांदी है केस, केस केवल सिखी की गल ना करिए, दुनिया के जिन्हें भी धर्म ने उन्हां धर्मां दे रूहानी मंडल दे विच आत्मक ज्ञान दे सूचक मन्ने जांदे जिहड़े रहबर ने वह सारे केसाधारी सन। ऋग्वेद नूं पढ़ के वेखो, उहदे च संपूर्ण मनुख की निशानी की है, सिला धारण सहंस केसव निमर्श, सिर तो लैके पैरां तक केसाधारी ते मिठा बोलण वाला। मनु सिमरती दे विच बहुत कुछ जातिवाद के बारे है, पर एक गल उहदे च लिखी है परकीरण केसं, केसां दा ते केसां वालियां दा सतकार करो। इस तो अलावा कबरों के गैबी नविस्ते इस्लाम की एक किताब, उहदे विच इस्लाम धर्म के बानी सल अलाउ वाले वसलम हजरत मुहम्मद साहब के बारे लिखा है कि उहनां दे केस बड़े लंबे सन, ते उपर इमामा दस्तार सजाया करते सन। इसे तरह कि तुहानूं बाइबल नूं पढ़न का मौका मिले, बाइबल दे विच जीसस क्राइस्ट भी केसाधारी, और उहदे तो अलावा केसां दी महानता दे बारे बाइबल दे विच कहानी आउंदी है डैथ ऑफ सैमसन। उहदे विच उहदी मौत दा कारण यह बनता है कि जदों उहदी प्रेमिका दलाइला उसते केस कतल कर दिंदी है, तो उहदे को सारियां रूहानी शक्तियां खत्म हो जांदियां ने। इहदे उपर बकायदा इस बाइबलैटिक स्टोरी दे उपर एक फिल्म भी बनी सी डैथ ऑफ सैमसन। सो जिन्हें भी दुनिया के धर्मां के रहबर जिहड़े रूहानी मंडल दे विच विचरदे रहे ने वो सारे केसाधारी सन। इस करके ये सवाल करना कि केस क्यों रखते हो, यह सवाल ही जायज नहीं है। सवाल तो यह बनता है कि जो कुदरत ने मनुख नूं पूर्ण रूप दे विच केसाधारी बनाया, तो सवाल करना यह बनता है कि तुसी केस कतल क्यों करवाउंदे हो, यह तो सवाल ही नहीं है कि केस क्यों रखते हो।
सवाल यह होना चाहिए है कि कुदरत ने जिहड़ा सरूप बख्शिश किया असी उस कुदरत दे सन्मान दे विच जो गुरु पातशाह ने सानू उपदेश कर दिता बलहारी कुदरत वस्या ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇੰਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਰਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਬ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਦਸ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਚਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਚਿਤਵਨ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਪੇਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਖੁਰਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ
ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਾਦ ਤੇ ਰਜ਼ਾਦਾ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੇਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨੇ ਬਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਨੇ ਬਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਭਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧ ਈ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧੀ। ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਘੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੇ ਮਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰ ਅਸਲ ਮਰਗ ਜਜੀਰ ਥਾ, ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰ ਅਸਲ ਮਰਗ ਜਜੀਰ ਥਾ, ਜਜੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस्लाम दो हिस्सों च वंडिया जाता, शिया और सुन्नी। शिया मुसलमानों के सैयद परिवार जिहड़े ने इस्लाम का प्रचार करन दे वास्ते हिंदुस्तान दे विच आउंदे ने, ते हिंदुस्तान दे विच जिहड़े पहले सैयद मुसलमान बतौर प्रचारक आउंदे ने उहने सैयद मयूद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले। अगों उहनां दे मरीद ने ख्वाजा बख्तियार काकी, ते ख्वाजा बख्तियार काकी नू अपना मुरशद मानते ने, जां उन्हां दे मरीद ने शेख फरीद साहब जिन्हां दी पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है। फरीद साहब दे अगों मरीद ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, वह फरीद साहब दे मरीद ने। उत्थों आ के इस्लाम धर्म दो हिस्सों च वंडिया जाता, एक साबरी, साबरी सिलसिले के मुखी बनते ने अलाउद्दीन अली अहमद साबरी, ते निजामी सिलसिले के मुखी बनते ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। निजामी और साबरी, फरीद साहब तो बाद ये सूफी मत दियां दो शाखावां हो जांदियां ने। ते इसे ही निजामी सिलसिले दे विच सैयद गुलामुद्दीन दे घर पैदा होया सैयद बदरुद्दीन, जिसनू असी प्यार दे नाल पीर बुद्धू शाह आखदे हां। हुण तुसीं वेखो, वह हज़रत मुहम्मद साहब की बेटी के खानदान दे विचों ने। किन्ना उच्चा है इस्लाम दे विच उन्हों का रुतबा कि इस्लाम धर्म की जिहड़े रहबर ने, जिहड़े इस्लाम धर्म के बानी ने, इस्लाम धर्म के मुखी ने, उन्हों की बेटी के खानदान दे विचों ने सैयद बदरुद्दीन। तो उ सैयद बदरुद्दीन पंगाणी की जंग दे विच अपने पुत्रां नू, भतीजां नू, भरावां नू शहीद कराउण तो बाद गुरु साहब के सामने खड़े ने, ते गुरु पातशाह कहिंदे ने पीर जी दसो की बख्शिश करा, तुहाड़ी झोली च की पा दिया। सिरपाओ देण लगे तो पीर जी ने पता की किया, अजकल तो सिरपाओ खेड बना के रख दिती है। सिरपाओ इन्नी उचेरी बख्शिश, और इन्नी उचेरी बख्शिश दे पात्रां नूं दिता जांदा सी ना, अज तो असी पैसे दे नाल सरोपे वेचने शुरू कर दिते। होर ते होर राजक नीतिक तौर दे उपर असी इस अपनी एक धर्म की रूहानी परंपरा का इन्ना विनाश कर दिता, कोई लीडर आ जाए उन्हूं सरोपा दे दो, कोई राजनीतिक व्यक्ति आ जाए उन्हूं सरोपा दे दो। वह गुरु क्यों सिखो, गुरु काल दे विच दो सरोपियां का जिक्र मिलता है 239 साल च। एक सरोपा भाई गोपाला जी नूं बख्शिश किया सी गुरु हरगोबिंद साहब ने, जो उन्होंने जपजी साहब का शुद्ध उच्चारण किया। ते दूसरा सिरपाओ दो रूपां दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पीर बुद्धू शाह नूं जिहड़ा ते महंत कृपाल दास जी नूं बख्शिश कीता। इन्हां सरोपियां दा जिक्र मिलता है 239 साल दे विच। असी तां इस परंपरा दा घाण कर दिता। हुण गुरु पातशाह पीर बुद्धू शाह नूं कह रहे ने मैं तुहानूं सिरपाओ की बख्शिश करनी है, ते सच जाणियो अपने पुत्र, अपने भतीजे, अपने भरा, अपने मरीद शहीद कराउण तो बाद पीर बुद्धू शाह हाथ जोड़ के पिछे खड़ा हो गया। पता की कहिंदा, कहिंदा नहीं पातशाह, इन्नी वड्डी बख्शिश दा अधिकारी नहीं मैं हैगा, इन्नी वड्डी अहमियत है सिरपाओ दी, पातशाह इन्नी वड्डी बख्शिश दा अधिकारी नहीं है। ते पातशाह कहिंदे फिर तुसी दसो तुसी की चाहुंदे हो, ते सच जाणियो साडे ककारां दी इन्नी अहमियत। पीर बुद्धू शाह कहिंदे ने कि जिस कंघे दे नाल तुसी केस हरे कर रहे हो ना, केस वाह रहे हो, एक कंघा केसा समेत मेरी झोली च पा दिओ। पीर बुद्धू शाह ने वह कंघा जिहड़ा सी केसा समेत गुरु साहब दे कोलों अपनी झोली दे विच पा लिया, और इन्ना सत्कार कीता भावें कि उन्हां दी नौवीं पीढ़ी जिहड़ी है नईम हैदर साहब इस वेले अमरीका दे विच रहिंदे ने, ते उन्हां दे घर दे विचों गुरु साहब दी बख्शिश जिहड़ी उह पई होई है अमरीका दे विच। नईम हैदर साहब पीर बुद्धू शाह दी नौवीं पीढ़ी दे विचों। पीर बुद्धू शाह जदों वापस आए ते सडौरे दे हाकम उस्मान खान ने पीर जी नूं शहीद करवा दिता। सुनिया तुसीं कितें कि किन्नी बेकिरकी और किन्नी बेरहमी दे नाल पीर जी नूं शहीद किया उस्मान खान ने। पीर जी नूं जमीन दे विच सिर तक दफन कर दिता, जमीन च दब दिता, उपरों पत्थर मारने शुरू कर दिते, उपरंत गुड़ ते दही उन्हां दे सिर दे उपर पा के जंगली कुत्ते छड़ दिते जिन्हां ने पीर जी नूं नोच नोच के खाता। पीर जी दी शहादत हो गई, पर पीर जी शहीद होने तो बाद वह कंघा ते गुरु साहब दे केस इन्ना सत्कार अपनी हवेली दे चक कंध दे विच लुका गए। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब आया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਡੋਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਟਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੰਘੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬੰਸ ਚੇਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਿਤਵੰਤ ਖਾਲਸ ਹੈ ਸੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸਨ ਨਰਨ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਦਾਨੋ। ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦਰਅਸਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਲਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਗਾ, ਕਲਗੀ, ਮੋਤੀ, ਮਾਣਕ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਆਨ, ਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ
रैबर के हाथ के भी हो सकती है। अंतर की है तो शस्त्र कृपान किसी राजे दे कोल भी हो सकती है ते कृपान सिख दे हाथ दे विच भी है, पर अंतर की है। जिस वेले आगरे दे कोल गुरु साहब की मदद दे नाल औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह गद्दी नशीन होया, जिसका पहला नाम शाहजादा मुअज़्ज़म सी, ते उस दा काजी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक सवाल करता है। वह पहला सवाल करता है कि मजहब केड़ा खूब है, तुम्हारा खूब जा हमारा खूब। ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़ा सहज दे विच जवाब दिंदे ने, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। फिर वो अगला सवाल करता है करामात, करामात की है? पातशाह अपनी जेब दे विच एक सिक्का कढ़दे ने ते कहिंदे माया करामात है। माया का दुनियावी रूप जिहड़ा है चेतन ते जड़ रूप दे विचों करामात है। पैसे दे नाल कुछ भी खरीदया जांदा है। अज आगू लीडरियां खरीदते हैं, वोटा भी खरीदते हैं, सानू उन्हां दी राजगद्दी करामात लगती है, पर वह माया चो निकली है, वह भी एक करामात का रूप है। वह कहिंदा नहीं, रूहानी करामात की है? ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने म्यान दे विचों शमशीर नू बेम्यान करते हैं, कहिंदे फिर सब तो वड्डी करामात यह है। एक करामात किसी जालम के हाथ विच होवेगी वह इज्जत लुटेगा, कृपान ते ताकत किसी जालम दे कोल है वह इज्जत लुटेगा, पर जो खालसे दे कोल है कृपान है वह आन दे उपर कृपा करेगी, इज्जत बचावेगी। तुहाडे हाथ की कृपान जुल्म करेगी, सिख दे हाथ की तलवार ते कृपान जुल्म रोकेगी। तुहाडे हाथ की कृपान जिहड़ी है वह दुनियावी कब्जियां दे वास्ते लड़ेगी, पर सिख की जिहड़ी तलवार ते कृपान है वह रूहानीयत दे राज दे वास्ते, बेगमपुरे दे वास्ते, अबचल नगर दे वास्ते वह संघर्ष करेगी। और अंतर की है उस दस्तार दे पिछे किरदार दा, मैं उस गल नूं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा। वो अंतर यह है कि जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब की दस्तार दे बारे ढाडी नथमल कहिंदे ने पग तेरी की जहांगीर दी, उहनूं समझना बड़ा जरूरी है। जहांगीर जहांगीर दा एक वजीर सी अफगन खान, शेर अफगन खान उसका नाम भी आउंदा है। उसका निकाह होया मेहर निसा दे नाल। मेहर निसा बहुत सोहनी सी। अपने निकाह तो बाद उसने जहांगीर नूं अपने घर रोटी दे उपर दावत दे उपर सद्या, ते जदों जहांगीर उसके घर गया उसकी सुंदर बेगम नूं वेख्या ते जहांगीर दे मन दे विच इक गल आई कि है ते मेरा वजीर ते इहदी बेगम इन्नी सोहनी क्यों, ये तो मेरे हरम दे विच चाहीदी है, ये तो मेरे कोल चाहीदी है। उन्हें धोखे दे नाल शेर अफगन खान का कतल करा दिता ते मिर्जा ग्यास बेग की बेटी मेहर निसा नूं अपने महलां च रख लै आंदा। उसका नाम रखिया नूर जहां। नूर जहां जबरदस्ती धक्के दे नाल चुक के जहांगीर अपने महलां दे विच लै आया। हुण उही नूर जहां श्रीनगर दे विच अपने पति ते हिंदुस्तान दे बादशाह जहांगीर दे नाल बैठी है। वह निशात बाग दे विच ने ते शालीमार बाग दे विच गुरु हरगोबिंद साहब बैठे ने, ते जहांगीर अपने बेगम दे नाल बैठा है। ते बेगम एक सवाल करती है, कहिंदी बादशाह सलामत मैं एक गल पुछा कि तुसी सारा दिन इत्थे शराब पींदे हो, शिकार खेडदे हो, तुहानूं वेखण वास्ते तां कोई नहीं आउंदा, पर सामने शमियाने विच सिखां दा गुरु बैठा है, सवेर तों लैके शाम तक दर्शन करन वालियां दी इसे तरह भीड़ लगी रहिंदी, अंतर की है? जहांगीर दी जुबान तों सच निकलिया, कहिंदा मैं सिर्फ एक देश दा बादशाह हाँ, पर वह दीन दुनी दा बादशाह है। कहिंदी मैं भी उसते दीदार करना चाहुंदी हाँ। नूर जहां कहिंदी है, जहांगीर कहिंदा तू जा सकदी है। अगले दिन सवेरे नूर जहां बड़े सुंदर बस्त्र पहने, बड़े कीमती बस्त्र, इतिहासकार लिखते हैं कि जिहड़ा उसने उस वेले लहंगा पहनया होया सी उसके उपर इन्नी ज्यादा हीरे जवाहरातों की एम्ब्रॉयडरी हुई सी कि उस भार दे नालों तुर नहीं सी सकती। 22 कनीजा ने, 22 नौकराणियां ने उसके लहंगे नूं चुकया होया सी। जदों गुरदेव पातशाह के दरबार के विच गई, अमृत वेले का समा, गुरु हरगोबिंद साहब ने नेत्र खोले, ते नेत्र खोलण तो बाद एक गल कही है, वह बड़ी प्यारी गल है। गुरु साहब ने कहा, ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए, जिन्हें कीमती गहणिया का शिंगार अपने तन ते करके आई है, खुदा दे नाम का शिंगार मन ते कीता हुंदा ते सचमुच खुदा नूं पा लेना सी। हुण ये है कि दस्तार दे पिछे किरदार किन्ना उच्चा होवे।
जहांगीर दे कोल दस्तार तो हो सकती है पर उहदे पिछे किरदार नहीं है। गुरु की दस्तार के पिछे एक उच्चा किरदार खड़ा है, एक उच्चा आचरण खड़ा है, एक करैक्टर खड़ा है कि वह अपनी हम उम्र नूं किवें संबोधित हो रहे ने। ऐसा साच शिंगार कर पुत्री, पुत्री पाए खुदाए। और यह जिहड़ा आचरण दस्तार के पिछे किरदार सी एक केसा तारी सिखां नूं गुरदेव पातशाह ने बख्शिश किया। फिर साढ़े रहत नामे जिक्र आउंदा है, सील जत की निशानी कश पैननी, कशहरा साढ़े पंच ककारां दे रूप दे विच। वैसे तो हुण नवे बच्चों नूं नहीं पता, जिहड़े साढ़े पुराने बजुर्ग ने खास करके पाकिस्तान तो आए वो जानदे होणगे कि जिहड़ी घोड़सवारी है वह घोड़सवारी के वास्ते कशहरा जिहड़ा सब तो वधिया पोशाक गिणी जांदी है, मैदाने जंग विच जूझण दे वास्ते ते घोड़सवारी दे वास्ते। इस करके कशहरा एक तो जंगी नुकता निगाह के उपरों साडा पहरावा लोड़ सी कि असी मैदाने जंग दे विच जूझण वाली कौम सी। दूसरी जड़ी सब तो अहम गल है कि सील जत अपने आचरण नूं कायम रखना, और सच जाने उस आचरण नूं इन्ना ज़्यादा कायम रखिया। अज तुसी वेख्या होवेगा कि बहुत लंबा समा एक जंग लड़ी है अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, पर उहदे बावजूद अमरीका नूं छड्ड के जाना पिया। वह अफगानिस्तान नूं पूरी तरह ना फतेह नहीं कर सके। तो आ पिछे जे एक चर्चा चली सी कि किते उस जरनैल का जिक्र भी करिए जिस जरनैल ने अफगानिस्तान नूं फतेह किया होवे पूर्ण रूप दे विच। ते सच जाने अफगाना दे उस इलाके दे विच जिथे पठाणा दियां 24 मुखियां राज करदियां सी, अलको जई, सद्दो जई, यूसुफ जई, मुहम्मद जई, जिथे 24 बहादुर मुखियां पठाणा दियां राज करदियां सी, उस इलाके दे विच जे खालसा ही निशान साहब चलाया तो दुनिया दे विच एक ही मर्द होया हरी सिंह नलूआ। हरी सिंह नलूए ने जदों जमरौत दे इलाके उत्थों दे पठाण भज गए, उत्थों दे एक पठान नसीर खान अपने तुर गुलफाम नूं कहिंदा है, गुलफाम छेती शहर छड्ड के जाइए हरिया रांगले। पता लग गया हरी सतीक है कि दुनियावी विकारां दे विच ते सिख दे अखलाक दे विच ककाड़ है। असी कोई भी कर्म करिए ते सानू पता लगे कि साडे हाथ दे विच कड़ा है। शायद तुहानू याद होवेगा शनिवार का दिन सी ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के शनि का वेदवा आ गया, जिहड़े तुसीं भी वेख्या सड़कां दे उपर खलो के लोहे की कौली दे विच तेल मंगदे ने शनिवार वाले दिन। हुण तां कई वारी मैं वेखदा कि निंबू ते मिर्चा भी अपने सिखां ने घरां दे अगे टंगणियां शुरू कर दित्तियां, ते बाकी ते गल ही छड्ड दो। असी कहने कि शनि प्रसन्न हो जाता नज़र नहीं लगती मिर्चा के नाल ते निंबूआं दे नाल, ते असी रब नूं भी धोखा देना शुरू कर दिता। अजकल मिर्चा निंबू भी प्लास्टिक के बने मिलते हैं, लोगों ने उही घर अगे टंगे हुए ने, और ये हो रहा यह भी व्यापारीकरण हो रहा एक तरह के धर्म के नाम दे। गुरु पातशाह ने कुछ लोहा उसनू दान दे दिता, आके भट्ठी के घाल के वो कड़े बना के हत्था। कहिंदे पातशाह जिहड़ा शनि नूं मनण वाला वेदवा लोहा लैके गया सी, असी उसका लोहा लैके कड़े बना के हत्थां च पा ले ने। ते पातशाह खुशी दे नाल कहिंदे ने यही मैं वेखना चाहुंदा सी कि इन्हां कर्मां कांडां नूं रोकण दे वास्ते तुहाडे हाथ दे विच कड़ा होना चाहीदा। ते हाथ दे विच गुरु दी निशानी पई है, मेरे हाथ तो कोई बुरा कर्म नहीं होना चाहिए, और यह रूहानी मंडल का एक निशानी है। पर मैदाने जंग दे विच जदों सज्जे हाथ दे नाल तलवार चलाई जाती सी ना, जंग च जूझण लग्या यही कड़ा कड़ दा काम करता सी, साडे गुट नूं दुश्मन दे वार तो भी बचाउंदा सी। सो इस कड़े की भी साड़ी एक प्रैक्टिकल वैल्यू सी, एक अहमियत सी। गुरु पातशाह ने जिहड़े ककार बख्शिश कीते ते सिख जदों इस अपने हत्थी पे कड़े नूं वेखदा है ते उहदे उस वेले मन दे विच गुरु दे उस रूहानी मंडल का चितवन आ जाता है कि नहीं, मैं कोई बुरा कर्म नहीं करना, मैं किसी की धी भैन हाथ नहीं पाउणा। और इस करके अहमद शाह अबदाली जिस वेले पंजाब नूं सिखां नूं खत्म करन दे वास्ते तुरदा है ना, ते रिश्ते दे विच अपने लगदे जवाई नासर खान नूं कहिंदा, नासर खान मेरे नाल चल, जहाद दे नाम दे उपर एक ऐसी कौम नूं खत्म करना है जिहदा दुनिया दे उपर नाम तां विच एक किताब भी लिखी फारसी दे विच, जिस किताब दा नाम है जंग नामा काजी नूर मुहम्मद। फारसी दे विच सी, मैं पिछले साल उसका पंजाबी अनुवाद किया, शायद अगले साल मार्केट दे विच आ जाएगी। वह सारी अपनी किताब विच सिखां दे वास्ते एक शब्द वरता है, सग कुत्ते दा तारीफ, तारीफां दी बहुगिणती, वसफ ए सगा कुत्तियां दी तारीफ। ते उस तारीफ दे विच पता की कहिंदा है, कहिंदा सगा रा मगो सके हस्तंद शेर। वह एक मदरसे दे विच बच्चों नूं पढ़ा रहा है ते सिखां दे बारे दसन रहा है। वह पता की दसदा जदों शुरुआत करदा है, कहिंदा कलात शहर दे बच्चों
जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल अज सांझी कर लगा है, पहली गल ते तुहानूं मेरे ते विश्वास होना चाहिए क्योंकि मैं सिखां नूं लड़दे वेख्या। तुसी मेरी गल ते विश्वास करियो, पर जे मेरी गल ते विश्वास नहीं करना ना ते कलात शहर दे विच अजे 300 पठान जींदा है जिहड़ा सिखां दे कोलों कुट खा के आया है, नहीं तो उन्होंने को जाके तस्दीक कर लियो कि सिख किवें दे ने, मैदाने जंग च किवें जूझते हैं। फिर वह कहिंदा है, कहिंदा मैं सिखां दे नाल मजहबी तौर पर नफरत करदा, पर कहिंदा है कि एक मेरी आत्मा की आवाज़ है जिन्हों मैं अपने अंदर रोक नहीं पा रहा। वो अपनी आत्मा की आवाज़ उस आखिरी चैप्टर च लिखता है, कहिंदा सगा रा मगो सके हस्तंद शेर, कहिंदा नफरत दे करके मैं सिखां नूं कुत्ते लिख रहा के कुत्ते ने, पर जे मेरी आत्मा नूं पुछो फिर कहिंदा मां मादाने मर्दां चों शेरां दलेर, इन्हां नूं कुत्ते नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैदाने जंग दे विच इह शेरां तों किते वध दलेर ने। फिर कहिंदा इन्हां दी दलेरी दा राज की है, इन्हां दी दलेरी दा राज है इन्हां दा आचरण जिहड़ा इहनूं हर वेले याद करवाउंदा है गुरु का बख्शिया ककार। वह की याद करवाउंदा है, वह फारसी के अगले शेर च लिखता है कि जन गर जवान, जन कहा जाता फारसी च औरत नूं, कि जन गर जवान औरत बेशक जवान होवे वाह अस्त पीर, भावें इन्हां दी हम उम्र होवे जां बजुर्ग होवे, भगो संग बुढ़िया बरो गोशागीर, मैदाने जंग दे विच औरत इन्हां दे हाथ आ जावे ना ना इह उहदे गहने लुटदे ने ना उसकी इज्जत लुटते ने, सगो हाथ जोड़ के बीबी जी कह के उसकी हिफाजत करते हैं। यह गल साडा दुश्मन लिख रहा है, कहिंदा इन्हां दे गुरु ने इन्हां दे अंदर वह बख्शिश कर दिती कि जिस दे सदका यह आचरण ही नहीं हो सकते। यह मैदाने जंग च जूझदियां दुश्मन की औरत की भी इज्जत करते ने, कादे करके क्यों इज्जत करते ने, क्योंकि गुरदेव पातशाह ने बख्शिश ही ऐसी साडे उपर कर दिती। सो वह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे वल्लों प्रगट किए खालसे का असी ये प्रगट दिहाड़ा मना रहे हैं, उस प्रगट दिहाड़े दे उपर एक गल असी मन के चलीए कि जिहड़ी बख्शिश गुरदेव पातशाह ने की ऐसी बख्शिश किसी होर कौम के उपर किसी रहबर ने नहीं की। और ये ऐसी बख्शिश है ते उस गुरु पातशाह दी जिहड़ियां सिफतां ने उन्हां दे बारे हकीम मिर्जा अला यार खां जोगी अपनी उर्दू दी रचना गंजे शहीदां दे च एक गल लिख के खत्म करदा है, उत्थे मैं अपना लैक्चर समाप्त करदा, मेरा वक्त भी हो गया। वह एक गल लिख के खत्म करदा है, कहिंदा करतार की सुगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वस्फ कहां ताबे रकम है। किंदा मैनू लिखना भी आउंदा, मेरे को कलम भी है, मेरे को स्याही भी है, मेरे को दवात भी है, मेरे को शब्द भी बड़े ने, पर की करां गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत लिखण दे वास्ते शब्द सामने नहीं आउंदे, मुक जांदे ने। फिर किसी ने सवाल किया होगा क्यों, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वस कहां ताबे रकम है, कहिंदे क्यों नहीं लिखिया जांदियां गुरु साहब दियां सिफतां। तो पता की कहिंदा है, कहिंदा एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को मंजार को जा लहर को देखे, कहिंदा बंदे दी औकात एक बुलबुले वर्गी है, ते गुरु गोबिंद सिंह दा वसफ जिहड़ा जिहड़ा वजूद आ समुंदर दे वर्गा, एक बुलबुले दी की औकात है कि समुंदर दी सिफत कर सके, उहदी डुंगाई दी गल करे, उहदी विशालता दी गल करे, उहदे अंदर उठ रही मौज दी गल करे, एक बुलबुले दी औकात की है कि समुंदर दी सिफत कर सके। इसे करके ही कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी जिहड़ियां सिफतां ने उह शब्दां दे विच बयान नहीं हो सकदियां, ते इसे करके जिहड़ी बख्शिश साडी झोली दे विच पाई उस बख्शिश नूं समझिए। उही कवि कहिंदा दुनिया दे लोको, उह मुसलमानां नूं संबोधित होके कहिंदा, कहिंदा दुनिया दे लोको जे किसी धार्मिक तीर्थ स्थान दे दर्शन करने ने ते दुनिया दे विच केवल एक है, केवल एक तीर्थ स्थान है धार्मिक, वो कहिंदे केड़ा है, कहिंदा बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, मेहर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए, अपील करता हूं हज करो जहां आकर, इस्तदा करता हूं सिंगों की करबला के लिए। कहिंदा कि ये जिहड़े रुतबे सिंगा ने लए ना मैदाने जंग दे विच अपना खून बहा के लए ने, और उस वहे हुए खून के पिछे साडी गुरदेव पातशाह की वह बख्शिश है जो पातशाह ने कहा खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, जिहड़ी पातशाह ने यह बख्शिश कर दी। हुण इस गल नूं इस्लाम किवें प्रवान करे,
कि यह होवे एक मुसलमान कवि ते कह दे कि दुनिया के सब तो वड्डा तीर्थ स्थान हिंदू जां मुसलमान धर्म दे विच नहीं सिखां दे कोल है, दुनिया दा सब तो वड्डा रहबर सिखां दे कोल है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दुनिया दी सब तो वड्डी माता माता गुजर कौर है, दुनिया दे सब तो जिहड़े रूहानी फरजंद ने ओह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे साहिबजादे ने, इस्लाम धर्म ने इहनूं मुरतज कर दिता, इस्लाम चों कढ दिता, एक्सकम्यूनिकेट कर दिता। बादशाही मस्जिद दे काजी ने फतवा जारी कर दिता कि इस अलायार खां दा इस्लाम दे नाल कोई संबंध नहीं, जिन्ना चिर माफ़ी नहीं मंगदा। बजुर्ग हो गया, मौत के कंडे ते पिया सी, बीमार सी, इहदे कोल काजी आया ते काजी कहिंदा है आ लो कलम ते आ लो दवात। अलायार खां जोगी कहिंदे ने की करना है, कहिंदा तुसी सारी उम्र बहुत वड्डा गुनाह कीता है कि तुसी सिखां दे गुरु दी तारीफ कीती, एक काफर दी तारीफ कीती है, तुसी लिखदे हो एक अखर दे विच कि मैं जो कीता है गलत कीता है, ते असी तुहानू तलाफी दे के तुहाडी तौबा नूं स्वीकार करके दोबारा इस्लाम दे विच लै आउने आ, बड़ा वड्डा सवाब होवेगा। ते काजी नूर मुहम्मद साहब कहिंदे ने जे मैं ना माफ करना, अलायार खां जोगी कहिंदे ने जे मैं ना करां ते कहिंदे जे तुसी नहीं करोगे ना तुहाडी नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ांगे, मौत हो जाणी तुहाडी तुहाडी नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ांगे, तुहाडी नमाज़े मैयत भी नहीं पढ़ांगे, तुहाडा कफन ते दफन नहीं करांगे, ना तुसी जन्नत दे विच जा सकदे हो, ना तुसी मुहम्मद साहब दी गोद च जा सकदे हो। ते काजी नूर काजी माफ करना काजी दे सवाल दे जवाब दे विच हकीम मिर्ज़ा अलायार खां जोगी कहिंदे ने काजी साहब मैनू मर जाण दिओ, मेरा कफन ते दफन ना करिओ, मेरी नमाज़े मैयत भी ना पढ़ियो, मेरी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़ियो, मेरी लाश नूं इस अनारकली बाजार दे छोटे जे घर दे च रुलदा रहण दिओ, कां कुत्ते खा जाण, मैं जन्नत दे विच नहीं जाना चाहुंदा, ना उड़ीके मैनूं मुहम्मद साहब दी गोद, पर मैनूं इन्ना माण है मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी गोद उड़ीकदी है। सो गुरदेव बख्शिश करे सानूं गुरु दी गोद उड़ीकदी होवे, ते उस गुरु दे गोद दे विच जाण तो पहला असी खालसे बन जाइए, ते उस प्रण दे धारनी बन जाइए जिथे पातशाह ने यह कहा खालसा मेरो इष्ट सिरद खालसा मेरो कहियत बिरद, जेड़े मैं शब्द कहे ने खालसा इन्हां शब्दां दी प्याज रखेगा, इन्नियां कु बेनतियां प्रवान फतेह दी सांझ। सतकार सहित आखणा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।